आज हम मावा या खोवा बनाने के जिस तरीके के बारे में बताने वाले हैं वह आपके लिए बहुत कारगर और फायदेमंद रहेगा। हमारे प्लांट्स अन्य मशीनों या पारंपरिक तरीकों से बहुत अलग हैं, जैसे बिना बिजली के चलना, पानी तथा फ्यूल या ईंधन की बचत महत्वपूर्ण है। यह प्लांट एक स्टीम रिसाइकल बॉयलर से चलता है जिसमें फ्यूल या ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गैस, गोबर गैस या तुडी इस्तेमाल होता है। इस बॉयलर में बार बार पानी चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है जिसके कारण 98% तक की पानी सेविंग होती है, साथ ही 40% तक ईंधन की भी बचत होती है। हमारे बॉयलर की खासियत यह है कि बॉयलर से स्टीम 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टीम पाइपलाइन से होते हुए कढ़ाई के पैंदे में जाती है और कढ़ाई को गर्म करके 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टीम कढ़ाई से वापस बॉयलर में चली जाती है। यह पूरा काम ऑटोमेटिक है। बॉयलर में स्टीम पाइपलाइन या स्टीम रिसाइकल लाइन द्वारा पूरा क्लोज सर्किट में काम करती है। हमारे बॉयलर में पानी चढ़ाने के लिए पंप की जरूरत नहीं होती है और ना ही किसी पानी के टैंक की जरूरत होती है। इस बॉयलर में स्टीम ऑपरेटेड कढ़ाइयाँ सेट होती हैं जो कि ऑटोमेटिक और सादा दोनों ही प्रकार की होती हैं। हमारी ऑटोमेटिक कढ़ाई में 100 लीटर दूध को गर्म कर सकते हैं और 20 लीटर दूध का मावा 22 से 25 मिनट में बनके तैयार होता है। इस ऑटोमेटिक कढ़ाई में 100 लीटर दूध का मावा बनाने के लिए 22 से 25 किलो लकड़ी की लागत लगती है जो कि अन्य प्लांटों से या पारंपरिक तरीकों से मावा बनाने की लागत से बहुत ही कम है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।